तीन दशक पहले टीक की सियासत में हुई एक दबंग की एंट्री। दबंग बना ब्लॉक प्रमुख। सियासत की दुनिया में ऐसी हुई पकड़, चार बार से ज्ञानपुर का विधायक बन कहलाया बाहुबली विजय मिश्रा। चाचा तो चाचा, भतीजे ने भी डीक से सियासी पाठशाला में ली एंट्री और बार बार बना प्रमुख। सत्ता बदली, योगी राज में बदल गया समूचा नज़ारा। आज की तारीख में ज्ञानपुर विधायक और डीक प्रमुख का बदल चुका है चेहरा। अब विजय मिश्रा और मनीष मिश्रा विधायक प्रमुख नहीं, अब विपुल दुबे और मनोज मिश्रा युग की हो चुकी है शुरुआत। ज्ञानपुर डीघ में विपुल और मनोज की एंट्री से चाचा और भतीजे का हिल चुका है किला। बाहुबली का खत्म हो चुका है साम्राज्य। अब विजय मनीष नहीं, विपुल और मनोज का यहाँ बसता है डंका। मनोज मिश्रा बन गए आजादी के नायक, तो डीघ में भी बज उठा भी और नगाड़ा। सुनिए नगाड़े की थाप पे जब मनोज मिश्रा की हुई डीघ प्रमुख के रूप में एंट्री, तो बदल गया विकास का ताना बाना और जलवा देखी मनोज मिश्रा। मनोज आज फावड़ा चला रहे हैं डी के विकास की। ये तस्वीर है कि मीटिंग के साथ ही मनोज सदस्यों को मानदेय दे रहे हैं और साथ ही यह पंचायत में अपने आप को ब्लॉक प्रमुख माने और किसी के मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी। मैं उपस्थित ग्राम प्रधान घर से भी निवेदन करूंगा कि छह पंचायत सदस्यों को जो है अपने ग्राम सभा के विकास कार्य में उनकी सहमति और संतुष्टि जरूर ली। ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ डीघ ब्लॉक की सूरत और सीरत बदल चुकी है। गाँव में अब विकास की चर्चा हो रही है, लोग विकास को लेकर किस कदर से गुनगुना रहे हैं। सुनिए। आजादी के नायक मनोज मिश्रा की आवाज पे हम मौजूद हैं। मनोज मिश्रा ज्ञानपुर और डीक ब्लॉक को लेकर खासी चर्चा में रहे हैं। बात अगर बाहुबली विजय मिश्रा की जाए, तो जिस तरह से मनोज मिश्रा ने सियासत की दुनिया में संघर्ष किया है, सियासत के क्षेत्र में संघर्ष किया है, आज उनके पीछे युवाओं का लाव लश्कर चल रहा है। आपको बता दें, एक शेर है कि तलवारों के साए में वीरों की जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। लेकिन यहाँ का ताना बाना कुछ और है। विधानसभा क्षेत्र ज्ञानपुर है और यहाँ पर तो दो अनमोल रतन की चर्चा है। मेरे दो अनमोल रतन, वो अनमोल रतन कौन है? आइए देखते हैं हम इसका खास खबर में। Thank you.
सर्कल। डीक ब्लॉक के नवनिर्वाचित लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा जी को हार्दिक बधाई देता हूँ आपकी तरफ से, पत्रकार बंधुओं की तरफ से और डीक ब्लॉक की संपूर्ण जनता की तरफ से, क्योंकि सही मायने में कहा जाए तो डीक ब्लॉक 15-20 वर्षों से एक अपराधी के चंगुल में फंसा हुआ था और विकास से तो छोड़िए यहाँ का आम नागरिक स्वतंत्रतापूर्वक सांस नहीं ले पा रहा था, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, हर व्यक्ति ठगासा महसूस करता था और एक व्यक्ति के इशारे पर नाच रहा था। मैं साधुवाद देता हूँ युवाओं की तरफ से, डीक ब्लॉक की जनता की तरफ से भाई मनोज मिश्रा जी को, जिन्होंने डीक ब्लॉक की आज़ादी की लड़ाई ही नहीं अपितु ज्ञानपुर के आज़ादी की लड़ाई लड़ी। जिस तरह से विगत चुनाव में छोटे भाई विपुल दुबे जी को जिता करके इन्होंने लखनऊ की विधानसभा में भेजने का कार्य किया, एक आतताई के चंगुल से ज्ञानपुर को मुक्त किया, उसके लिए ये आदरणीय साधुवाद के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं और ज्ञानपुर की जनता, डीक ब्लॉक की जनता इनकी आभारी रहेगी। मैं इनकी मुंह पे इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जिस तरह से मुक्त कंठ से इन्होंने ईंट से ईंट बजाने का कार्य तत्कालीन विधायक का किया और ज्ञानपुर को मुक्त करा करके ही दम लिया, ज्ञानपुर की जनता की तरफ से, युवाओं की तरफ से मैं इनका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। ज्ञानपुर और डीक ब्लॉक विकास से कोशों दूर था। भाई मनोज मिश्रा जी से जब भी वार्ता होती थी, ये कहते थे आखिर विकास की कोई योजनाएं डीक ब्लॉक में क्यों नहीं आ पा रही हैं, ज्ञानपुर में क्यों नहीं आ पा रही हैं, तो हम लोग की आपस में ये चर्चा होती थी कि एक आतताई का, विजय मिश्रा का, जब तक यहाँ आतंक रहेगा ज्ञानपुर विकास से अछूता रहेगा, डीक ब्लॉक उसके चंगुल में जकड़ा रहेगा। भाई भतीजावाद के चंगुल में ज्ञानपुर जकड़ा हुआ था, जिस कारण यहाँ विकास हो नहीं रहा था, विशेषकर डीक ब्लॉक का विकास नहीं हो रहा था। जब से भाई मनोज मिश्रा जी डीक ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख पद संभाला है, ज्ञानपुर की जनता में, डीक ब्लॉक की जनता में एक नई आशा की किरण आई है। मैं अक्सर सुना करता हूँ लोग हम लोगों को फ़ोन करके कहा करते हैं, भैया हमारे यहाँ के सड़किया बदे भैया से कह दिया। आम आदमी के अंदर एक आशा जगी है कि मनोज मिश्रा अगर उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो मेरे गांव का, मेरे क्षेत्र का विकास होगा। जनप्रतिनिधि की के प्रति जनता का समर्पण यही देखा जाता है जब उससे लोग काम की अपेक्षा करते रहें। उसी तरह हमारे जो विधायक हैं विपुल जी, हर आदमी को लगता है कि मेरे क्षेत्र का विकास, मेरे गांव का विकास अब संभव है, जो कि विगत शायद 15-20 वर्षों में नहीं हुआ। ज्ञानपुर में सिर्फ अवैध खनन, माफियावाद चरम पे था और भाई भतीजावाद चरम पे था। एक व्यक्ति ने सिर्फ ज्ञानपुर ही नहीं संपूर्ण जनपद को लूट रखा था, जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को दबा रखा था। प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ नहीं बोल पाता था। मगर भाई विपुल जी के नेतृत्व में, भाई मनोज मिश्रा जी के नेतृत्व में यहाँ के युवाओं ने जो एक परिवर्तन की बयार, मैं सही मायने में कहूँ तो पूरे भदोही जनपद में बहाई है, सिर्फ ज्ञानपुर और डीक ब्लॉक में ही नहीं, ये बयार आगे तक जाएगी और ज्ञानपुर, डीक ब्लॉक, भदोही जनपद जो विकास से विगत कई दिनों से अछूता था, विकास की नई गंगा ज्ञानपुर में, भदोही में और डीक ब्लॉक में बहेगी, ये यहाँ की जनता को आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है। सर्वप्रथम दुबे जी, मैं पत्रकारिता दिवस पर आप सबको बधाई देता हूँ और इस कर्तव्यनिष्ठ समाज में जो जिस तरीके से बिना डरे सहमे निष्पक्ष ढंग से आप लोगों ने दबे कुचलों का आवाज़ उठाते हैं और सच को सामने लाते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को कोट कोट धन्यवाद और बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। पत्रकारिता दिवस पर बड़े भाई राजन जी मेरे यहाँ चल के आए, मैं उनको उनका वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ हृदय से और पूरे क्षेत्र की जनता को भी मैं आभारी हूँ। उनका ऋण कभी मैं चुका नहीं सकता हूँ। जिस तरीके से ज्ञानपुर विधानसभा में एक युवा विधायक दिए, देवतुल मतदाताओं ने जो निर्णय दिया, आज जनमानस की पुकार थी, जनमानस की इच्छा थी, सब लोगों का स्नेह आशीर्वाद था, भगवान की कृपा थी कि मुझे भी त्रिस्तरीय कमेटी बना के जो है ब्लॉक प्रमुख बनाए, आगे भी उन लोगों का स्नेह आशीर्वाद वहाँ रहेगा तो पूर्ण रूप काम होगा। रही सवाल विकास की, तो आप ये जान लीजिए कि समय हमारे पास 5 साल है और डीक ब्लॉक और ज्ञानपुर में 300-400 गांव हैं। प्रतिवर्ष हम 100 वर्ष
100 गांव काम करेंगे तब भी काम कम पड़ जाएगा। इतना हम लोग जो है काम करेंगे, आज के डेट में आपको बताऊं कम से कम 200 रोड का प्रस्ताव मेरे पास आया है। 200 रोड का प्रस्ताव प्रार्थना पत्र आया था और डी ब्लॉक के ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में नाली सड़क खड़ंजा नहीं बनेगा। टोटल का टोटल सारा काम होगा, चाहे वो क्षेत्र पंचायत से हो, चाहे विधायक निधि से हो, चाहे जिला पंचायत से हो, चाहे पूर्वांचल निधि से हो, किसी न किसी मत से हम लोग पैसा लाकर अपने क्षेत्र के जनता का कोने कोने तक विकास पहुंचाने का काम करूंगा। लोग याद करेंगे कि क्या शासन प्रशासन द्वारा आया हुए धन का विकास भी होता है, और लोग भूल गए हैं क्योंकि राजन भाई ने बताया जो है, अभी आप लोग भी पूरा समाज और जिला जानता है, क्योंकि जनपद भदोही पूरे एक व्यक्ति के चंगुल में था जो है, चाहे वो जिला पंचायत रहा हो, चाहे ब्लॉक रहा हो, चाहे एमएलए का सिर रहा हो, जैसे भी था, कोटेदार हो, प्रधान हो, हर व्यक्तियों को प्रताड़ित करना, धमकाना, डराना, उनसे अवैध काम कराना, सब जो है दबे कुचले थे, लेकिन जनमानस की जो इच्छा थी, जैसा जो किया उसको उसका फल मिला। और मैं पुनः पत्रकारिता दिवस पर आपको शुभकामना बधाई देता हूँ और अपने ज्ञानपुर विधानसभा जनपद वासियों की तरफ से भी आपको बधाई देता हूँ, और जनपद के सारे देवतुल मतदाताओं को मैं वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ।